आधी रात के वक्त इमरान खान के वे शब्द पाकिस्तानियों के तहमंद गीले कर गए, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास इतने डॉलर नहीं बचे हैं कि वे कर्ज की किस्तों की अदायगी कर सके। इमरान खान ने कहा कि वे डर रहे हैं कि पाकिस्तान की कहीं पुंगी ना बच जाए, मतलब पाकिस्तान के वेंजुला वाली हालत होने की उम्मीद अभी भी कायम है। शायद इमरान खान पाकिस्तान को इस नौबत से बचाने की जद्दोजहद में वित्त मंत्री हमद अजहर को पाकिस्तानियों का तेल निकालने की पूरी छूट दे चुके थे, जिसके बाद पूरे बजट में इनकम और सेल टैक्स बढ़ाने पर जोर है। यानी पाकिस्तान में 1 जुलाई से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष में आयकर भरने वालों पर पहाड़ टूटने वाला है। इसकी वजह भी है, इमरान सरकार ने आयकर की अधिकतर दर 25% से बढ़ाकर 35% कर दी है। इसके साथ ही मासिक आय के ब्रैकेट को भी पहले से कम कर दिया गया है। 50,000 प्रति महीना वेतन भोगियों के लिए और 33,333 गैर वेतन भोगियों के लिए रखा गया है। मतलब इमरान खान हवाई घोड़े पर चढ़कर चांद को चूमकर आने के ख्वाबग्रस्त फकीर हैं। इन जनाब को लगता है ऐसा करके नए वित्त वर्ष में केवल आयकर से 280 अरब रुपए जुटाए जा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि नया पाकिस्तान का ढिंडोरा पीटकर नवाज शरीफ और जरदारी को जेल में डालने वाला वजीर आजम पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर को 3.3% पर रखकर इतने बड़े ख्वाब बुन रहा है, जबकि इसी जनाब की सरकार ने आर्थिक वृद्धि दर का सालाना लक्ष्य 6.2% रखा है। जिस मुल्क में प्रति व्यक्ति आय $1,652 से $1,497 प्रतिवर्ष हो गई है, वहां की जनता इतने भारी करों के नीचे सांसें ले पाएगी, शायद इस वजीर आजम को ख्याल नहीं आया। बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान फिलहाल की स्थिति में $100 अरब का विदेशी कर्ज तक वापस करने की स्थिति में नहीं है, जिसके कारण पाकिस्तान पर कभी भी दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है। विश्व बैंक के अनुसार व्यापारिक सुगमता के मामले में पाकिस्तान 190 देशों में 136वें नंबर पर है। इस रैंकिंग से भी पता चलता है कि पाकिस्तान में कोई भी विदेशी निवेशक निवेश करना नहीं चाहता है। पाकिस्तान का यही रोना है और शायद पाकिस्तान अपने पूर्णकालिक बजट में इस मुद्दे के रिक्त स्थान की पूर्ति करने में नाकाम रहा है। इमरान सरकार ने इस बजट में कोई ऐसी महत्वपूर्ण योजना पाकिस्तान के सामने नहीं रखी जिसे देखकर विदेशी निवेशक आकर्षित हो। यदि विदेशी निवेशकों की यही बेरुखी रही तो पाकिस्तान का भट्टा बैठना तय है, पर भट्टा बैठने के आसार भी नजर आने लगे हैं। पाकिस्तान के शेयर बाजार में उल्टी दिशा में छलांग लगा दी और डॉलर घरेलू बाजार में 2 रुपए महंगा हो गया। यानी जो डॉलर 2 दिन पहले 150 रुपए के आसपास पर बिक रहा था, वह अब 152 रुपए के भाव पर पहुंच गया है। अर्थशास्त्री घोषणा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले डॉलर 160 से 180 रुपए तक पहुंच सकता है। यदि ऐसा हुआ तो पाकिस्तानी तहमंद मस्जिदों के बाहर नीलामी में नजर आएंगे। पर ये पाकिस्तान है, मदरसे से निकले नेता और अधिकारी आज भी पाकिस्तान को मुगल कालीन पद्धति पर ही चला रहे हैं। इनकी बुद्धि में आज भी जजिया कर का भूत सवार है। सूद खाने को हराम बताने वाला यह मुल्क आज खुद सूद के लिए तहमंद गीले करता फिर रहा है। पाकिस्तानी जनता का पलीता लग चुका है। भूखमरी और बेरोजगारी के लिए इमरान तहमद खोलकर चौराहे पर खड़े हैं। जनता नया पाकिस्तान के झंडे लिए अब कदम ताल नहीं कर रही, बल्कि इमरान खान को हलाल कर रही है। बिलावल भुट्टो और मरियम ने जनता को एकजुट करने का अभियान तेज कर दिया है। इमरान खान के जाने का ऐलान भी कर दिया गया है, मतलब आतंकवाद को पोषित करके इस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था की टांगे काट दी है और ये देश आज लंगड़ा हो चुका है। बस चीन और सऊदी अरब की बैसाखी ही इस मुल्क का सारा बनी हुई है। IMF से कर्ज नहीं मिलता तो इस देश की जनता के कपड़े तब भी उतरने थे, अब कर्जा मिलने जा रहा है अब तो हर हाल में उतरेंगे, क्योंकि यह बजट पाकिस्तान के वित्त मंत्री हामद अजहर ने नहीं बनाया, बल्कि इसे IMF ने तैयार किया है। कमाल की बात तो यह है कि कभी चीन के इशारे पर नाचने वाला यह मुल्क आज IMF के इशारे पर नाच रहा है। यानी इस मुल्क की किस्मत में गधैया नृत्य ही लिखा है। यह जब तब अपनी मर्जी का नाच करता है, भारत और दुनिया में कहीं ना कहीं शांति भंग होती है। इसलिए पाकिस्तान का गधैया नृत्य कहीं बेहतर और दुनिया के हित में है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।